ये हम लोगों ने एक गार्डनिंग किट बनाया। ये ऑब्जेक्टिव ये बनाने का ये था कि आज के समय में बच्चों का ना वो फिजिकल टच खत्म हो चुका है कि कैसे सब्जी उगता है। बच्चे सिर्फ बाजार से सब्जी घर पे आता देखते हैं कि आलू आ रहा है, प्याज आ रहा है, बट वो उगता कैसे है, ग्रो कैसे करता है। तो ये हम लोगों ने एक बनाया कि बच्चों को क्यों ना कुछ गिफ्टिंग किट बनाया जाए जिसमें पेड़ पौधे से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड सामान हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। दुनिया में एक से बढ़कर एक स्टार्टअप है। युवा जो है वो आजमाइश एक से बढ़कर एक स्टार्टअप में करते भी हैं। पटना के अभिजीत नारायण ऐसे शख्स हैं जो कि 25 लाख की नौकरी छोड़ इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। आप सोच रहे होंगे इन्होंने क्या स्टार्टअप शुरू किया, तो हम आपको बता दें कि इन्होंने पौधे बेचने का काम पटना में शुरू किया। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये इनकी नर्सरी है और 25 लाख पैकेज बड़ा होता है किसी युवा के लिए। मेहनत किया, पढ़ाई किया, फिर नौकरी मिली और इस नौकरी को छोड़कर इन्होंने पटना में प्लांट बेचने का काम शुरू किया। आखिर पटना में पौधे क्यों बेच रहे हैं जबकि नर्सरी तो कई हैं? क्या कॉन्सेप्ट था इनका और आज ये सफलता के कदम पे आगे चल रहे हैं? अभिजीत नारायण जी से स्वागत है मेरा। क्या क्या सोचा आपने और ये नर्सरी खोला? देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ एक वैसा काम करें जिससे कि हम कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, जिससे मेरा भी अपना बिजनेस स्टार्ट हो और हम कुछ अच्छा काम कर सकें। और इन्वायरमेंट सेक्टर में काम करना है, ये क्लियर था। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था शुरू से ही, मेरा इस पेड़ पौधे के चीज़ों में इंटरेस्ट था, गार्डनिंग अच्छा लगता था। तो जब हम प्लान किए जॉब के दौरान ही कि मेरे को कुछ काम करना है, तो एक प्लान्ड तरीके से हमने अपना पहले तो थोड़ा पैसा सेव करना स्टार्ट किया बिजनेस के लिए और फिर इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि गार्डनिंग एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को पसंद है, लेकिन अभी भी ना बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ये काम हो रहा है। मतलब अगर आपको प्लांट चाहिए, आप नर्सरी खोजते हो, आप नर्सरी के पास जाते हो, आप उनसे पूछते हो कि हमको फूल लगाना है, इंडोर प्लांट लगाना है, तो वो आपको बताएंगे, आपने लगा लेते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन गैप होता है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर नर्सरीज जो हैं वो ट्रेडिशनल किसान के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो हमें लगा कि वहाँ पे ना एक अपॉर्चुनिटी है, हम कस्टमर्स को बेटर जानकारी देंगे, सर्विसेज पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। माली वगैरह का मिलने में ना बहुत चैलेंजेस आता है, तो मेरा ये थॉट था कि हम माली सर्विसेज देंगे, टेरेस गार्डन करेंगे, किचन गार्डन पे फोकस करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि प्लांट क्यों ज़रूरी है और इंडोर में आप क्या क्या लगा सकते हो। आप छोटे से घर में भी पेड़ पौधा लगा सकते हो, घर में भी आप ऑक्सीजन जोन बना सकते हो। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट पे हम लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को इनकरेज करेंगे कि आप प्लांट लगाइए। जगह नहीं है तो आप कम छोटे जगह के हिसाब से छोटा प्लांट लगाइए, घर में धूप नहीं आता है उस हिसाब से आप प्लांट लगाइए। तो क्या जब आपने नौकरी छोड़ा और घर वालों को बताया कि आप पटना में पौधे बेचना चाहते हैं, तो क्या घर वालों की तरफ से कोई ऑब्स्टिकल था? नहीं, ऑब्स्टिकल तो था, क्या था? देखिए, ऑब्स्टिकल क्या होता है, एक डर होता है जो एक मिडिल क्लास में एक होता है कि भाई मेरा बेटा जॉब छोड़ के, मतलब एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ के आप बिजनेस करना चाह रहे हो, वो भी एक ऐसा जो कि बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है, पेड़ पौधे का बिजनेस नेग्लेक्टेड है सच पूछिए तो डर तो था ही, लेकिन लोगों को एक विश्वास था कि कहीं ना कहीं कर लेगा, समय के साथ हो जाएगा, मतलब ये कर लेगा, ही विल नॉट फेल। तो इस तरीके से ये आगे बढ़े और ठीक ही चल रहा है। खुश हैं आपने इस फैसले से? बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अपना काम अपना ही काम होता है और अब तो स्टार्टअप इंडिया और बिहार गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज्ड है मेरा ग्रीन शेल्टर और BAU सबॉर्स से भी हम लोगों को ग्रांटेड मिला है। जो रफ्तार प्रोग्राम चल रहा था उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो रखा है, तो स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट है, आई मीन रिकॉग्निशन है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन है, सबौर का रिकॉग्निशन है, तो इससे एक इनकरेजमेंट मिलता है। पढ़ाई क्या की थी आपने और जॉब क्या कर रहे थे? MBA मार्केटिंग मेरा पढ़ाई हो रखा था और जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग में कर रखे थे। 14 साल पेंट इंडस्ट्री और टेलीकॉम में काम किए थे, बर्जर राजदूत, एयरटेल, एयरसेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर मेरी लास्ट कंपनी थी, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्रा में काम कर रखे थे। बट एक जो होता है ना कि कहीं ना कहीं खुद का एक काम हो, वो एक मन में पहले से ही
पड़ा हुआ था कि ये अपना खुद का काम करना है और उसी तरीके को उसी चीज को फिर हम प्लान तरीके से लेके आगे बढ़े। कई लोग नौकरी छोड़ते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और एक से बढ़कर एक यूनिक स्टार्टअप की स्टोरियाज आपको देखने को यूट्यूब पे चाहे अखबारों के जरिए मिल जाता है, लेकिन आपका स्टार्टअप थोड़ा सा यूनिक इस मायने में है कि आप पौधे बेच रहे हैं। क्या आपका जो लगाव है पेड़ पौधों से बचपन से था, आपको लगा कि मैं कुछ ऐसा ही काम करूँ, ऐसा ही बिजनेस करूँ जिससे मेरे शौक भी पूरे हैं और आय भी आते रहे, आमदनी भी होते रहे? बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ है, इंटरेस्ट तो था ही, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आप बिना इंटरेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। प्लस एक एक जिम्मेदारी भी मुझे लगा कि एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि बिजनेस तो हम कुछ भी कर सकते थे, मेरे लिए बाकी बिजनेस ज़्यादा आसान होता, बट इस काम में ना एक आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हो, तो वो होते रहना चाहिए। तो यही सब सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। लेकिन देखिए, आपने नर्सरी खोला, पेड़ पौधों का हर पेड़ पौधे जो होते हैं उसका नेचर अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, सबका स्वभाव जानना समझना अब फिर उसे बेचना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना इंकरेज करना मुश्किल था या कि मोहब्बत थी पेड़ पौधों से तो सब कुछ आसान हो रहा? आसान होता गया? आसान तो नहीं रहेगा, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते आसान था, क्योंकि मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया सेक्टर था। मतलब एक जो बेसिक नॉलेज था वही था जो आम आदमी को होता है, नाम पता था सिर्फ कुछ 5-10 पेड़ के प्लांट का, डिटेल कुछ भी नहीं पता था। लेकिन समय के साथ मेहनत करना पड़ता है और फिर आप सीख सकते हो। मतलब ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप कभी भी सीख सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है अगर आप में इंटरेस्ट है तो। और आज के रेट में गूगल पे हर कुछ अवेलेबल है, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कुछ अच्छे लोग हैं इस फील्ड से जुड़े हुए, उनसे आप मिलो, जैसे हम मिले फिर पुणे बैंगलोर वगैरह का विजिट किए, तो वैसे जगह पे आप जाते हो तो आप काफ़ी कुछ सीख लेते हो। काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। कितने साल हो गए आपको नर्सरी? 2016 में हमने ये स्टार्ट किया था। और 2016 से ये यहीं पे है, पटना में है, और हमारा प्लान है कि अब इसको बहुत जल्द एक्सपैंड करेंगे बिहार के अलग अलग शहरों में, और इच्छा तो यही है कि इसको पूरे हिंदुस्तान में अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। नर्सरी का चेन बिहार में? बिल्कुल, ये भी एक अपने आप में नया है। पूरे हिंदुस्तान में प्लान कर रहे हैं, बिहार से स्टार्ट करेंगे, प्लान तो यही है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लोगों को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, इंकरेज करते हैं कि वो भी अपने घरों में पौधा लगाएं? हाँ, तो उसके लिए हम आपको ना ये एक पैम्फलेट दिखाएंगे। जैसे हम लोगों ने सिर्फ पेड़ पौधे पे फोकस नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता है गार्डनिंग में कि आप मेंटेन कैसे करोगे। तो हम लोग माली सर्विसेज वगैरह को हाईलाइट करते हैं, आपको आवरली बेसिस पे चाहिए, वीकली बेसिस पे चाहिए, मंथली बेसिस पे चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देते हैं, मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, ट्रेंड मैन पावर, घर के अंदर जो मिट्टी बदलना, मिट्टी का चूँकि काम है तो उन सारी चीज़ों में चैलेंजेस आता है, वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। प्लस घर में या ऑफिसेज के लिए हम लोग प्लांट्स रेंट पे भी देते हैं। बहुत लोग होते हैं वो चाहते हैं ग्रीनरी तो हो बट हम मेंटेनेंस ना करें, ठीक रेंटल मॉडल पे, रेंटल मॉडल पे काम करें। ये क्या है, ये किट क्या है? हाँ जी, ये हम लोगों ने एक गार्डनिंग किट बनाया। ये ऑब्जेक्टिव ये बनाने का ये था कि आज के समय में बच्चों का ना वो फिजिकल टच खत्म हो चुका है कि कैसे सब्जी उगता है। बच्चे सिर्फ बाजार से सब्जी घर पे आता देखते हैं कि आलू आ रहा है, प्याज आ रहा है, बट वो उगता कैसे है, ग्रो कैसे करता है। तो ये हम लोगों ने एक बनाया कि बच्चों को क्यों ना कुछ गिफ्टिंग किट बनाया जाए जिसमें पेड़ पौधे से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड सामान हो। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर छोटा पॉट है 5 और ये कोकोपीट है जो कि मिट्टी का काम करेगा, इसमें सीड जर्मिनेट होता है, प्लस इसके अंदर ऐसा टूल्स है बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है, और सीड पैकेट्स हैं 2 तरीके का सब्जी का सीड्स हैं, जैसे इसके अंदर कुकुम्बर है और कोरिएंडर है, धनिया है, ये दोनों बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। आप इसमें कोकोपीट को पानी में डाल के फुला के रखेंगे और सीड डालेंगे तो 6-7 दिनों में जर्मिनेशन हो जाएगा, और अगले 7-8 दिनों के बाद मतलब 15-20 दिन के बाद आप उस पौधे को, सैपलिंग को मिट्टी या गमले में लगा सकते हैं। इसके साथ इसका पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने बना के मार्केट में दिया, खिलौने के दुकान वगैरह में भी हम लोगों ने दिया कि एज अ गिफ्टिंग आइटम आप इसे मतलब बच्चों को जो चाइनीज़ खिलौने हम देते हैं बर्थडे वगैरह में, उससे अच्छा क्यों ना कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ सामान दे जिससे वो कुछ सीख भी सकें। तो कंसेप्ट ये खेल खेल में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो सके किस तरीके से पेड़। आजकल तो क्या है कि बच्चे जानते ही नहीं है कि
कोई पौधा है तो किस चीज़ का एग्जैक्टली वो खीरा खाते हैं, खीरा का पौधा होता कैसा है वो जानते नहीं है, चलन तो ये हो गया बिल्कुल। और इनफैक्ट हमारा हम लोगों का प्लान आगे फर्दर यही है कि हम लोग इस मतलब इस किट के सफलता के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें ना बड़े लोगों के लिए भी ऐसा किट बनाना चाहिए कि घर में आप किचन गार्डन अपना बनाना चाहते हो, सब्जी उगाना चाहते हो, तो एक प्रॉपर एक किचन गार्डन का किट होगा। तो बहुत जल्द हम लोग उसको भी लाने वाले। किचन गार्डनिंग का कल्चर जो है देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल में खासकर पटना में बहुत ही बड़ा है, लोग करना चाहते हैं लेकिन एक सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आपके पास लोग आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ सब कुछ आपका जिम्मा में, एक तरह से कहें मोटी भाषा में और बिहारी भाषा में तो एक तरह से उनके किचन गार्डन का ठेका आप ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले लेते हैं, ऑब्वियसली वो चार्जेबल होता है। हाँ, बिल्कुल, उन सारे चीज़ों का सॉल्यूशन कस्टमर्स को देते हैं कि आप कैसे घर में सब्जी उगा सकते हैं, किस सीज़न में क्या 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 सब्जियाँ हो सकती हैं, मेंटेनेंस कैसे होगा, तो वो पूरा एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं उसका। चलिए आपको बता दें कि पटना के आशियाना दिघा रोड पर इनका नर्सरी है, नर्सरी का नाम है ग्रीन शेल्टर नर्सरी। आप देख सकते हैं नर्सरी में एक से बढ़कर एक पौधे हैं। क्या क्या पौधे हैं आपके पास, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, कभी आना हो तो आ जाएंगे इधर। बिल्कुल, तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स, वो सारे हैं। आम है, अमरूद है, लीची है, हाइब्रिड वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे हाइब्रिड अड़हुल है, चंपा, बेली, चमेली, ये सर सब कुछ है। रंगन, करोटन्स, हैंगिंग प्लांट्स के जितने वैरायटीज़ हैं, प्लस सेमी इंडोर और इंडोर प्लांट्स, प्लस ऑक्सीजन प्लांट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे ऑक्सीजन प्लांट में अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट्स का बहुत ही डिमांड हुआ। जैसे आप ऑक्सीजन प्लांट्स में आप एरिका पाम आता है, पीस लिली है, एंथोरियम है, बैम्बू पाम है, एग्लोनीमाज हैं, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके इंडोर सिनेरियो में सर्वाइव कर जाता है, घर के अंदर आप इसको रख सकते हो। तो ये सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है, प्लस ऑर्नामेंटल प्लांट जितने भी होते हैं। हम लोग वर्टिकल गार्डन करते हैं, बनाते हैं, किचन गार्डन भी बनाते हैं, लैंडस्केपिंग हम करते हैं। तो ये आपके नर्सरी में कुल मिला कहा जाए तो सब कुछ है प्लांटेशन से रिलेटेड। हमारा पंचलाइन ही है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर गार्डनिंग नीड्स। इस नर्सरी में आ जाइए, सारा सॉल्यूशन होगा। आपको प्लांट भी देंगे और प्लांट के साथ प्लांट को मेंटेन करने का सर्विसेज भी देंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स अब लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करें। तो पहले तो उन्हें दिक्कत आता है कि कहाँ से खरीदें, तो हमारे पास भी पहले बहुत कुछ नहीं हुआ करता था, बट धीरे धीरे हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स का कलेक्शन बढ़ाया। जैसे हमारे पास गिलोय है, अश्वगंधा है, पत्थर चूर है, इवन जो बेसिक जैसे करी पत्ता है, करी पत्ता का भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, हेल्थ बेनिफिट है। मेडिसिनल प्लांट को लेकर एक और वीडियो हम बनाएंगे, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करें। हमारे साथ जो शख्स थे, इन्होंने 50 लाख पैकेज की नौकरी छोड़ा, नाम है इनका अभिजीत नारायण, फिलहाल पटना में नर्सरी चला रहे हैं, पटना के दिघा आशियाना रोड में इनका नर्सरी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।